पांचपावली पुलिस थाना अंतर्गत दोपहिया वाहन की चोरी का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेने ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी 10 नंबर पुलिया के पास किसी काम से आए थे, जिस दौरान उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक चौक के सामने अपनी दोपहिया वाहन पार्क की। उस वक्त किसी अज्ञात चोर ने उनकी दोपहिया गाड़ी वहां से चुरा ली, जिसकी शिकायत उन्होंने पांचपावली पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज की। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 घंटों के भीतर आरोपी को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेढे ने अधिक जानकारी साझा की। बरोबर आहे, त्यातला फिर्यादी आहे हरीश जसाराम बंजारी। हे जरीपटका पोलिसच्या हद्दीमध्ये राहतात। ते त्यांची ॲक्टिवा मोपेड ग्रे कलरची होती, MH49AD0317। ही गाडी ते 10 नंबर पुलियाजवळ पार्क करून गेले होते आणि ती गाडी चोरीला गेली होती। त्यांनी आमच्याकडे तशी तक्रार दिली, त्यानुसार आम्ही पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला होता। तर त्यातला जो संशयित आरोपी आहे, 17 वर्षीय विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे, तो आम्हाला संशयितरित्या मिळून आला। त्यानुसार मग त्याच्याकडून सदर गुन्हा उघडकीस आला आणि त्यांनी कबुली दिली की ती गाडी त्यांनी चोरलेली होती, त्यामुळे त्याच्याकडून ती गाडी जप्त करण्यात आलेली आहे आणि गुन्ह्याचा पुढील तपास हेड कॉन्स्टेबल सगीर करत आहे। इस मामले में पुलिस ने एक 17 वर्षीय नाबालिग को धर दबोचा। आरोपी नाबालिग होने के कारण उसे बाल न्याय मंडल के सामने पेश किया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।